राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है और धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे का हल अगर कोर्ट से बाहर मिल बैठकर आपसी सहमति से निकाला जाए तो ठीक होगा। अदालत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट इसमें मध्यस्थता के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड बैठकर इसकी फैसला करें और फिर हमारे पास आए उसकी एक समाधान के साथ। तो मैंने कहा कि वह बैठने के लिए आपकी आदेश की आवश्यकता है। अदालत की इस टिप्पणी पर सरकार और बीजेपी की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है, जबकि आरएसएस ने कहा है कि अंतिम फैसला धर्म संसद करेगी। ऐसा लगता है जल्द सॉल्व हो जाएगी और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंटशिप है हमारे चीफ जस्टिस की, वो जरूर इसको सॉल्व कर लेंगे। हम भी चाहेंगे कि ये चर्चा सौहार्दपूर्वक हो और इसका हम स्वागत भी करते हैं। इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द धर्म संसद बिकॉज दे हैव बीन द पीपल हु हैव ऑर्गेनाइज्ड द एंटायर राम जन्मभूमि मूवमेंट एंड द पार्टीज हु हैव गॉन टू द कोर्ट। वहीं दूसरे पक्ष यानी बाबरी मस्जिद समिति के संयोजक जफरयाब जिलानी ने अदालत के बाहर किसी तरह के हल से इनकार किया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सर्वोच्च अदालत पर अपनी आस्था जताई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मीडिएट करें, हमें उन पर भरोसा है। वो कोई टीम नॉमिनेट करें सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर भी भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब पॉसिबल नहीं है कि हम कोर्ट के बाहर कोई फैसला करें। इसके लिए कोर्ट को देर या सवेर कोर्ट को फैसला करना चाहिए। दरअसल अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद दशकों पुराना है। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार अयोध्या की विवादित जमीन भगवान राम की जन्मभूमि है और बाबर ने यहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, जबकि मुसलमानों के मुताबिक इस विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद भी मौजूद है। विकास सारथी, डीडी न्यूज़।